खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां गैस एजेंसी मालिक ने गैस सप्लाई रोकने की चेतावनी दी है। दरअसल नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर रोड स्थित दीपक गैस एजेंसी पर बीते मंगलवार को दिन दहाड़े 4 से 5 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद एसएसपी अभिषेक यादव और एसपी सिटी सतपाल अंतिल ने घटनास्थल का जायजा भी लिया था। वहीं एजेंसी मालिक ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी सिटी सतपाल अंतिल से मुलाकात की और एक हफ्ते के अंदर बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही एजेंसी मालिक ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते के अंदर बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो जिले की सभी गैस एजेंसियों को बंद कर गैस सप्लाई रोक दी जाएगी। कल दिन दहाड़े मेरे साथ मेरे गोदाम पे डकैती हुई है। 4 हथियारबंद आदमी आए, मेरे स्टाफ को अंदर ले गए, 2 लाख रुपए का कैश लूट के उन्हें अंदर बंधक बना के मेरे साथ डकैती करके ले गए, मारा पीटा सबके साथ। उन लोगों मिले हैं यहाँ पे किस बारे में? मैं हम एसपी सिटी साहब से मिले हैं, सतपाल अंतिल जी से। हम लोगों ने उनसे गुजारिश लगाई है, ये कहना है कि अगर ये जल्दी से जल्दी एक हफ्ते के अंदर अगर ये लोग नहीं पकड़े गए हैं तो समस्त गैस एसोसिएशन, ये एलपीजी की जो क्या बोलते हैं एसेंशियल कॉमोडिटी की चीज़ है, ये सप्लाई हम लोग बंद कर देंगे। हम इसे पीएमओ ऑफिस भी भेजेंगे, हम इसे योगी जी को भी भेजेंगे, हम इसे हर जगह भेजेंगे। हम लोग गैस की सप्लाई नहीं कर पाएंगे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।